आ चुके हैं ऑलमोस्ट मनाली, मतलब क्रॉस कर चुके हैं ये मनाली का, मसूरी मसूरी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अब ये मसूरी में कोई वाटरफॉल है, हम लोग उधर की तरफ जा रहे हैं। ये व्यू देखो, ये व्यूज देखो, देखो व्यूज, ये पूरा व्यूज है। अभी हम लोग जितना क्लोज जा रहे हैं ना, ये उतना ज्यादा, ये जो व्हाइट वाला एरिया है ना, उतना ज्यादा ही होता जा रहा है। आप आगे चलो, आपको और भी मजा आएंगे। अभी बस व्यूज देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वो व्हाइट वाला जो नहीं, ऐसे उभरता हुआ नजर आ रहा है, देखो ना व्हाइट वाला, लेकिन और खिलते हुए आ चिपक जाएंगी, पहले सब चिपकेंगी फिर उसके बाद छोड़ देंगे। अब गहरा बहुत ज्यादा होता है तलवा वो, नहीं कुछ खाने की चीज आ गया। हाँ तो उसीलिए वो सब झपटेंगी एक बार, कान में आवाज नहीं आ रही मेरी। सो गाइस राइट नाउ वी आर इन कैंप्टी फॉल, सो यहाँ पे रोपवे का भी माध्यम है और क्या आंसर नॉर्मल वे का भी है, तो हम लोग पैदल चलेंगे। बस ज़्यादा नहीं, 0.4 किलोमीटर का ही रास्ता है। सो वी डिसाइड टू गो इन अ वॉकिंग वे, नॉट विथ अ रोपवे। एंड देयर इज आल्सो स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल भी है, बट वहाँ पे सीन ये है कि वो ऊपर ही बोल दिया था कि बहुत चिल्ड पानी है, तो जिसकी वजह से हम लोग कपड़ा लेके नहीं आए नहाने के लिए, बस नॉर्मली चल रहे हैं अपन घूमने के लिए, कैंप्टी फॉल देखने के लिए। दिस इज हाउ वर्किंग है। चलो आपको भी कैंप्टी फॉल दिखाते हैं एंड आगे की कमेंट्री आंसर दो। गाइस यहाँ पे वैसे ही चिल्ड है जैसे कि हम लोग हरिद्वार गए थे, वैसे ही यहाँ पे भी ठंड पड़ता है, यहाँ पे भी ठंड लग रही है, वैसे ही पानी यहाँ पर भी चिल्ड हो गया ऐसा बोला गया है। सो देट वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू बाथ एंड वी विल गो। सो लेट्स गो, आपको दिखाते हैं चल के, अंशुल की एंट्री झंडू हो गई, चलो आगे चलते हैं। चलते रहो, उनकी तरफ देखो मत, नहीं तो पीछे पड़ जाएगा, खाली देख लिए पलट के। थे सर दिस इज द फॉल गाइस राइट नाउ, तो ये फॉल देख सकते हो, यही है वो फॉल जिसके लिए हम लोग इतना नीचे आए थे। पानी पूरा देख रहे हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, पूरा एकदम साफ पानी जिसको बोलते हैं वैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं है बट पानी काफ़ी ही साफ है। तो यहाँ पे जो झरने का सीन आ रहा है, देखे देख रहे हो भाई, ये पूरा पानी क्रिस्टल क्लियर पानी है, पूरा उड़ रहा है। और ये पानी देखो, ये कितना तेज उड़ रहा है, इसका प्रूफ है ये, इसका लोअर ये देखो कितना तेज है पानी उड़ के, वहाँ से गिरने के बाद ये फव्वारे के रूप में आ रहा है। फोटो खींचो वहाँ खड़े हैं भैया। So here it is guys, अरे वो कौन सा फॉल था, कौन सा झील था, वो कैंप्टी झील के पास से हम लोग यहाँ पे आ गए कैंप्टी फॉल के बाद, वहाँ पे कुछ वर्थफुल नहीं लगा। सो अभी अपन लगा वापस निकल रहे हैं, वापस निकलने से पहले का सीन आपको दिखा दे रहे हैं। ये पूरा मसूरी पहाड़ों की रानी कही जाती है,
देख लो आप, इसीलिए कही जाती है दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पहाड़ों की रानी। ये देख लो आप, देख लो। सो गाइस सीन ये हुआ है कि मोबाइल मेरा बीच रास्ते में स्विच ऑफ हो गया था और रिकॉर्ड क्या कर रहा है क्या और क्या? अरे वो उसी में अंशुल भाई बोल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो सीन ये हुआ था कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था बीच रास्ते में और जो एंडिंग का वीडियो पार्ट था ना वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। बहुत सारे मतलब मान के चलो आप 5 से 10 मिनट की वीडियो जो थी वो मिसिंग हो गई, एक दो जगह के प्लेसेस हम लोगों ने विजिट करना था वो मिस हो गया क्योंकि जितने पावर बैंक थे कार में स्लॉट थे सब बुक थे, कोई चार्ज ही नहीं हो पा, थोड़ी सी वॉइस डिस्टर्बेंस। एंड बस इतना इस वीडियो में, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबक है, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, अंत में फिर से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। यहाँ रुकने की जगह नहीं।